जिस किसी का भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है उसके लिए खुशखबरी, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपये खाते में दिए गए हैं। किस किस को दिए गए हैं और किस किस को नहीं मिले हैं वो अब चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। और इसमें क्या क्या सेवाएं फिलहाल चालू कर दी गई हैं वो भी बताएंगे। हाय, मेरा नाम है रजनीश, आप देख रहे हो लक्ष्य डिजिटल स्टूडियो। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दीजिए आने वाली वीडियो मेरे सबसे पहले देखने को। हाँ, अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखें तो फॉलो जरूर कर लें। तो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो हमें सबसे पहले अपने ई श्रम जो वेबसाइट है इसी को ओपन कर लेंगे। जैसे इसे ओपन करेंगे तो हमारा नॉर्मल पोर्टल है उसी पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम स्कीम के बारे में जानेंगे, क्या क्या स्कीम हमारी इस समय इशू करी गई है, जो हमें स्कीम इस समय बताई गई है। तो सिंपली से आपके सामने ये सारी स्कीमें बताई गई, जो भी आप देख सकते हो, एक एक स्कीम के बारे में आप जानकारी ले सकते हो यहाँ से, कि बहुत सारी स्कीमें आपको यहाँ बताई गई हैं। इसमें आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो तो इसमें जाके अपना चेक कर सकते हो कितनी स्कीमें हमारे लिए अवेलेबल हैं, किसके कौन सी स्कीम हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जाके आप अपनी स्कीमें चेक कर सकते हो, और मनरेगा वगैरह सब कुछ इसी में जुड़ा हुआ है, और लोन वगैरह सब कुछ इसी में है, और पीएम जो पीएम आवास मिल रहा था वो भी इसी योजना के अंतर्गत आ रहा है, इसी में बताया गया है। तो सारी स्कीमें यहाँ आपको मिल जाएंगी और प्रॉपर जाके अपनी एक एक स्कीम को आप देख सकते हो। तो सिंपली से अब आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अब जो पैसे दिए जा रहे हैं वो किस पोर्टल पे आपको शो करेंगे, कहाँ से चेक कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल पोर्टल है। तो यहाँ जाके ये सर्च करके upssb.in, तो ये सिंपली से इस वाली वेबसाइट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ जाके आपके सामने उत्तर प्रदेश सेकंडित ये सब कुछ सामने लिखे आने लगा होगा। तो हमें कहाँ सर्च करना होगा, तो सिंपली से यहाँ नीचे आएंगे, जो भरण पोषण भत्ता योजना जो गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपये डाले गए हैं वो भरण पोषण भत्ता योजना की वजह से डाले गए हैं, जो ई श्रम कार्ड में पहले डाले जाते थे अब फिर से दोबारा से वो शुरू कर दिया गया है। किस किस को मिलेगा, किस किस को मिल गया है वो अब जानकारी यहाँ से देख सकते हो। आपको किस किस आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको सिंपली जो आपने उस समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा था आपका, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर था वो यहाँ सिंपली से इंटर कर देंगे। एक मोबाइल नंबर इंटर करके मैं चेक करता हूँ, अगर इसको बंदे को मिला होगा तो यहाँ शो करने लगेगा सारी डिटेल्स। तो मैं सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ, जैसे यहाँ नंबर डालेंगे और यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपके सामने सारी डिटेल्स निकले आ जाएगी। यहाँ लिख के आ रहा नो रिकॉर्ड फाउंड, तो अब मैं डालता हूँ दोबारा से फिर कोई दूसरा नंबर। तो जैसे ही डालेंगे और आपके सामने सर्च पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने ये सारी डिटेल्स खुल के आ चुकी है। इस बंदे को इस बार जो योजना दोबारा से जो भरण पोषण भत्ता दिया गया है, जो हमें जो उस भत्ते के दौरान हमें 1,000 रुपये हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए, सक्सेसफुल खाते में पैसा हमारा पहुंच चुका है। तो इसको आप बिल्कुल इजीली तरीके से आप देख सकते हो, और जो बंदा है उसका नाम और उसका पिता का नाम और उसका फुल एड्रेस और किस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और आपका पैसा स्टेट क्या दिखा रहा है, तो स्टेटस उसका देख सकते हो, सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो ये स्टेटस आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो, और आपको मैंने बहुत ही इजीली तरीके से बताया है इसमें किस तरीके से अपना ई श्रम कार्ड का पैसा चेक कर सकते हो, मिला है नहीं मिला है इसकी जानकारी आपको इसी पोर्टल पे मिलेगी, बिल्कुल मोबाइल नंबर से मिलेगी जो रजिस्टर्ड करे थे आप। तो ये छोटी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर, तब तक जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर कुछ नए अंदाज में।